आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में हरिहोद जी के द्वारा रचित महाकाव्य प्रिप्रवास से पवन दूत का अंश का अध्ययन करेंगे, जिसमें वियोगिनी राधा के मार्मिक व्यथा का चित्रण किया गया है। राधिका जी पवन को दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास भेजती हैं और पवन को अपनी सारी व्यथा बताते हैं, जिसको संकेत के द्वारा जाकर के पवन श्री कृष्ण जी के पास राधिका के पीड़ा को व्यक्त करे। इसमें कठिन शब्दार्थ एक दिवस एक दिन गेह घर धरा पृथ्वी संताप दुख विपुल अत्यधिक कलुषित दूषित बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका जी दुखी होकर के घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू ब्रिग उगल में थे धारा को भिगोते और उनके दोनों आंखों में आंसू निकल रहे थे, जिससे पृथ्वी पर गिर करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, जिस घर में राधिका जी बैठी हुई थी उस घर में धीरे से पवन सुगंधित वायु को लेकर के आती है। प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायनों से प्रातःकालीन अच्छी हवा प्रातःकाल के समय खिड़कियों के द्वारा उनके पास आती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो दुख को अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधिका जी बोल उठती हैं, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। राधिका जी धीरे से दुख के साथ पवन से बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताते। राधिका जी कहते हैं कि हे प्यारी पवन प्रातःकालीन तुम मुझको इतना क्यों दुख पहुंचाती हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे पवन क्या तुम भी समय के साथ तुम भी दूषित हो गई हो, जिस कारण से मुझको इतना दुख पहुंचा रही हो। प्यारे बच्चों इसका काव्य सौंदर्य है, खड़ी बोली अलंकार है, मानवीय अलंकार
श्रृंगार रस, शब्द शक्ति है अविद्या, गुण है प्रसाद, मत क्रांता छंद है। इन दोनों पद्यांश में जो प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित जो गद्यांश संबंधित जो प्रश्न हैं, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका ही। पवन किसको सताती है, कौन कलुषित हो गई है, यक दिवस गेह में कौन बैठी थी, इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करिए और अध्ययन करें। धन्यवाद।